हेलो, वेलकम टू हैप्पी टू हेल्प। आज हम लोग आपको एक माइक्रोमैक्स टीवी का नेगेटिव जो पिक्चर है उसको कैसे रिसर्व करता है वो हम आपको आज दिखाएंगे। जो माइक्रोमैक्स का जो एलईडी है उसका जो पीसीबी रिप्लेस करने के बाद ये प्रॉब्लम आता है। पीसीबी रिप्लेस करने के बाद आपको कभी कभी टीवी में दिखना पड़ेगा कि नेगेटिव पिक्चर जैसे आएगा, तो उसके हिसाब से आपको हम लोग इजी आपको सिखाएंगे कैसे रिमोट के जरिए आपको ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमने सेट ऑन कर दिया, उसमें नेगेटिव पिक्चर आ रहा है अभी। तो इसमें देखिए हम मोबाइल से रिमोट से कैसे उसका जो सर्विस मोड है उसको ओपन करते हैं, जो है मेनू 4147। देखिए मेनू 4147 प्रेस करने के बाद जो उसका सर्विस डाटा है वो अभी स्क्रीन पे आ गया है। तो आप देखिए जनरल सेटिंग पे जाइए। जो सबसे ऊपर है जनरल सेटिंग, ऊपर के बाद सेकंड पोजीशन में है, और जो जनरल सेटिंग है वहाँ पे जाके आपको ओके करना है। ओके करना है। उसके बाद जो एलबीडीएस एलबीडीएस मैपिंग है, देखिए इधर जो ऊपर दिखा रहा है एलबीडीएस मैपिंग, तो उसमें जाके आपको उसका जो क्राइटेरिया है उसको चेंज करना पड़ेगा। वो 0 से लगभग 17 तक होता है, तो वो देखिए हमने चेंज कर रहे हैं अभी। तो चेंज करने के बाद वो जब 0 पे ले आया हूँ तो पिक्चर अब अच्छी तरह से हो गया, मतलब एकदम सही पिक्चर आ गया है। तो एग्जिट बटन है रिमोट का, वो उसको एग्जिट बटन प्रेस करने के बाद वो जो सर्विस डाटा है जो ओपन हुआ था वो प्लस हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा। हाय फ्रेंड, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बोलिएगा, और अगर इस वीडियो पे आपका कोई होगा तो आप ज़रूर लाइक, एक वीडियो पे मेरा लाइक देगा, और अगर आप नया है तो मेरा वीडियो जो चैनल है इसमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोग आगे से आपका हेल्प हो ऐसा ही वीडियो बनाते रहेंगे। कोई जानकारी चाहिए कोई तो मुझे अगर नीचे कमेंट आपको कर कोई दीजिए। जानकारी चाहिए तो जो हमारा कमेंट बॉक्स है वहाँ पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू।